ये लड़की मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? नादिया फोन उठाओ, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? इस लड़की ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। खैर से इसकी शादी हो जाए तो मैं भी बेफिक्र हो जाऊं। मारूख को फोन करती हूँ, शायद वहां ना गई हो, खुदा खैर करे। नादिया कहाँ गई थी तुम? मैं इतनी देर से तुम्हें फोन मिला रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? नादिया मेरी बात सुनो, हुआ क्या है? नादिया कहीं मारूख और अहमद का झगड़ा तो नहीं हुआ? नादिया दरवाजा तो खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दे मुझे। इफ्रा, इफ्रा बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। बस थोड़ी देर, दो मिनट रुक जाए। माशाल्लाह, अल्लाह अच्छे नसीब करे। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, और पता है अच्छी बात यह है कि तुम्हारी दादी भी बहुत खुश है, वो हमारे साथ जा रही है। सबसे पहले तैयार हुई थी। तो अम्मी वो भी इसीलिए तैयार हुई है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा मुझे पता है, कैसी लग रही हूँ मैं? झुमके सही? बहुत प्यारी माशाल्लाह। बस जल्दी से आ जाओ। दो मिनट दे, बस थोड़ी सी लगा, दो मिनट। अच्छा थोड़ी सी और लगा लेती हूँ। हाय क्या बात है। मैं इफ्रा या अजरा को खुश करने के लिए नहीं जा रही हूँ, मुझे तो बस ये देखना है कि वो कौन सा बड़ा घर है जिसमें अजरा अपनी बेटी को ब्याह रही। लोग तो वाकई बहुत पैसे वाले हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि सारी जायदाद और बिजनेस का इकलौता वारिस साहिर है। किस्मत की बात है, दोनों माँ बेटियां बहुत खुश नसीब हैं। माँ ने तो तुमसे शादी कर ली, इस घर पे राज किया, बेटी की परवरिश करवाई, और बेटी उसे भी इतना अमीर तरीन लड़का मिल गया। वहाँ जाके अब ये बातें मत कीजिएगा, अजरा को बुरा लगेगा। अरे लगता है तो लगे, इफ्रा तुम्हारी अपनी औलाद होती तो और बात थी। अब देखो ना, इतने बड़े घर में रिश्ता करोगे तो जानते हो खर्चा कितना होगा तुम्हारा। अरे भाई बूढ़े होगे तो तुम्हारी मदद कौन करेगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? सब कुछ इन्हीं पे लुटा दोगे? मैं तो कहती हूँ अपना पैसा अपनी मुट्ठी में बंद करके रखो, समझे? Mm-hmm.